मैम आपका नाम जी? मेरा नाम डॉक्टर बलजीत कौर रूबी है, आई एम डिप्टी डायरेक्टर डेंटल कम DDHO सिविल सर्जन ऑफिस जलंधर। हाँ जी मैम, जो ये महामारी फैल रही है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आप जानते हो कि COVID-19 महामारी फैल रही है, इसके अंदर मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे आपको लगता है कि आपको COVID-19 के लक्षण नज़र आ रहे हैं, जैसे कि बुखार होना, गला ख़राब होना या लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट है या ज़ुकाम है, तो आपको चाहिए कि जल्दी से जल्दी नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके अपना RT-PCR टेस्ट करवाएं या रेड टेस्ट करवाएं, ताकि अगर आपको पॉजिटिव टेस्ट आता है तो आपका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए। इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हर किसी को हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, जिसका SpO2 लेवल बिलो 90 आता है उसी को ही हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप घर पे ही होम आइसोलेट होके ध्यान रख सकते हैं और अपना इलाज कर सकते हैं। इसमें अगर आपको मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप घर में हैं, चाहे हॉस्पिटल में हैं, चाहे आप पब्लिक प्लेस पे हैं। इसके साथ साथ आप बार बार हाथ धोएं, थोड़ा सा गुनगुना पानी का सेवन करें, टैबलेट विटामिन सी का सेवन करें, जिंक टैबलेट लें, उसके साथ साथ डाइट का ख्याल रखें। इसके अंदर लोगों का स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए। जितना हम पॉजिटिव रहेंगे उतना ही हम जल्दी ठीक होते हैं। अगर किसी बंदे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उसका SpO2 लेवल बिलो 90 है और बुखार है, तो उसको तुरंत अपने आप को हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को दिखा के अपना, अगर वो देखते हैं डॉक्टर कि इसको हॉस्पिटल होने की ज़रूरत है, तो वो उसको एडमिट होके अपना इलाज करवाना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे आप जानते हो कि COVID-19 की वैक्सीन आ गई है, ये भी हमें लगवानी चाहिए। मैंने खुद ने भी ये वैक्सीन लगवाई है और इससे हम अपने आप को इस COVID-19 जैसी महामारी से बचा सकते हैं। कोविशील्ड अगर लगती है तो उसकी पहली डोज का कि 6 से 8 हफ्ते के बाद दूसरी डोज लगती है, अगर कोवैक्सीन लगती है तो उसकी दूसरी डोज 28 दिन के बाद लगती है। थैंक यू मैम।